नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत के संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले हमें यह मालूम हो कि संविधान क्या होता है। संविधान उन आधारभूत नियमों का समूह होता है जिनके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। ऐसे प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है, जैसे अमेरिका का अपना एक संविधान है, ब्रिटेन का अपना एक संविधान है, इसी प्रकार भारत का अपना एक संविधान है। तो हम भारत के संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। इसी प्रकार तीसरी विशेषता है लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित लिखित व निर्मित संविधान। चौथी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। और पांचवी विशेषता है मूल अधिकार व मूल कर्तव्य। मूल अधिकार व मूल कर्तव्य। छठी विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। देखिए, संविधान की सबसे पहली विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। यानी कि भारत के संविधान की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128। इसी प्रकार कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। इसलिए भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी संदर्भ में संविधान विद हरि विष्णु कामत ने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान सबसे विशाल संविधान है। दूसरी विशेषता की बात करें, इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्यों व उद्देश्यों को समाहित किया गया है, अर्थात प्रस्तावना को संविधान का प्राण भी माना जाता है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। इसी को के एम मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण मूल उद्देश्यों की को बताया गया है। ये भारत के संविधान की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है लिखित व निर्मित संविधान। बात यह आती है कि लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है। भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है, जिसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाया गया। भारत के संविधान को लिखित संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया है। लिखित संविधान उसे कहा जाएगा जिसको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसलिए अमेरिका का संविधान है वो भी एक लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, क्योंकि ब्रिटेन की संविधान को बनाने के लिए किसी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो दोस्तों, समझ में आया होगा आपको
कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में भेद क्या है। लिखित संविधान, भारत का संविधान लिखित है क्योंकि भारत के संविधान को एक संविधान सभा ने बनाया है, इसलिए इसे लिखित संविधान कहा जाता है। जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अभिसमय और परंपराओं की उपज है, उसको बनाने के लिए किसी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात यहाँ कार्यपालिका के दो रूप हैं, नाममात्र की कार्यपालिका और औपचारिक कार्यपालिका। नाममात्र की या औपचारिक, नाममात्र या औपचारिक कार्यपालिका, और दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसे औपचारिक प्रधान भी कहा जाता है, संवैधानिक प्रधान भी कहा जाता है। इसी प्रकार वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही को माना जाता है, इसलिए कई बार अपन यूँ भी कह देते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष मंत्रिपरिषद न होकर प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही काम करती है। भारत में इस संसदीय प्रणाली को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया गया है, अर्थात राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल को बनाया गया है और वास्तविक प्रधान है वह मुख्यमंत्री को बनाया गया है। मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य में जो भी काम किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, केंद्र में जो भी काम किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे, यानी कि अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक कानून बनता है केंद्र में, और राज्य में कोई भी विधेयक कानून बनेगा तो उससे पहले राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए भारत के संविधान की विशेषता हमने पढ़ी कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, दूसरी विशेषता पढ़ी हमने प्रस्तावना, तीसरी है लिखित व निर्मित संविधान, और चौथा है संसदीय शासन प्रणाली। अब पाँचवीं विशेषता है मूल अधिकार व मूल कर्तव्य। सबसे पहली बात यह आती है कि मूल अधिकार क्या होते हैं। वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध कर दिए गए हैं और उनको सुरक्षा दी गई है, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए अनिवार्य होते हैं क्योंकि इनके बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार से है। पहला है समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सातवां है संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी मूल संविधान में,
मूल अधिकार जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। पहला समानता का अधिकार, तो हमारा मूल संविधान बना उसमें 7 मूल अधिकार थे। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवां शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां संपत्ति का मूल अधिकार। लेकिन भारत के संविधान निर्माता दूरदर्शी थे, दूर की बात को जानने वाले थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही संविधान में गुंजाइश छोड़ी थी। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से कुछ बदलाव करना पड़े, इसलिए संविधान को पहले से उन्होंने थोड़ा ढीला ढाला बनाया था, अर्थात उसमें कोई बदलाव हो तो किया जा सके। इसी प्रकार भारत के संविधान में आज हम देखें तो 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत का संविधान समय के हिसाब से बदलने वाला संविधान है। इसी प्रकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे अनुच्छेद 300 क में डाल दिया। अब ये कानूनी अधिकार है। इसी प्रकार बात करें अपन मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्य से पहले अपन मूल अधिकार के बारे में ये बताना चाहूँगा कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में और संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। यानी कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में व अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से और 35 तक में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अलग अलग अनुच्छेद हैं। जैसे समानता का मूल अधिकार है वो 14 से 18 तक अनुच्छेद में, इसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 में, इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में, इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, इसी प्रकार शिक्षा और संस्कृति अधिकार 29 व 30 में, इसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बात करें अपन मूल कर्तव्यों की, तो भारत के संविधान की एक ये भी विशेषता है कि इसमें मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है, कि प्रत्येक नागरिक को मूल कर्तव्य दिए गए हैं। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय कहीं पर भी मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन ये मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे संविधान में, और ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, और इसकी संख्या उस समय 10 थी। यानी कि 10 मूल कर्तव्य, संविधान जब मूल रूप से बना था उस समय मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इन मूल कर्तव्य की संख्या उस समय 10 थी, लेकिन 11 मूल कर्तव्य और जोड़ा गया अभिभावकों के लिए कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का जो दायित्व है या कर्तव्य है वो अभिभावकों का होगा, और ये अनुच्छेद, ये जो बात है ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इस प्रकार हम मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है, ये इसकी एक विशेषता है। अगला नेक्स्ट विशेषता है इसकी, पंथ निरपेक्ष राज्य। देखिए हमारे संविधान में 3 शब्द, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो सबसे पहले देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है। ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को राजधर्म नहीं मानता है और सभी धर्मों को समानता का दर्जा देता है। राज्य की दृष्टि में कोई भी धर्म अपने आप में ऊपर नहीं है, सब धर्मों को समानता का दर्जा दिया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो धर्म निरपेक्ष राज्य भी कह सकते हैं इसको। तो पंथ निरपेक्ष राज्य
किसी पंथ को नहीं मानता, किसी धर्म को नहीं मानता। इसकी दृष्टि में सब धर्म समान हैं, हिंदू मुस्लिम जैन कोई भी धर्म हो, सब धर्मों में समानता का दर्जा दिया गया। ये भी एक भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। इसी प्रकार सातवीं इसकी विशेषता है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग चार में, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग चार में किया गया है और अनुच्छेद 36-51। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36-51 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए जाते हैं और कोई भी सरकार इनको साथ लेकर चलती है, अर्थात पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोई भी बनने वाली जो सरकार है उसके लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं और ये राज्य को दिए जाते हैं और लोगों के कल्याण के लिए दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व की तुलना में अगर बात करें मूल अधिकार की तो मूल अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए जाते हैं और राज्य फिर अपने नागरिकों का उत्थान करने के लिए इन योजनाओं को लागू करता है। नीति निर्देशक तत्वों का भी कई प्रकार से वर्गीकरण है, जैसे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, शिक्षा पंचायत राज प्राचीन स्मारक से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों का हवाला दिया गया है। ये भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। इस प्रकार हमने विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसके बारे में पढ़ा, दूसरी विशेषता प्रस्तावना इसके बारे में पढ़ी, तीसरी विशेषता लिखित व निर्मित संविधान, चौथी संसदीय शासन प्रणाली, पांचवा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य और छठा पंथ निरपेक्ष राज्य और सातवीं विशेषता पढ़ी हमने नीति निर्देशक तत्व। जो सातवीं विशेषता थी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का हवाला संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36-51 किया गया है और ये पथ प्रदर्शक हैं राज्य सरकारों के लिए और आने वाली सरकार है कोई भी वो इनको ध्यान में रखकर ही काम करती है और लोगों का कल्याण करती है। देखिए आज का वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है, अब आगे इससे आगे का जो भी मैटर मिलेगा जो अगले वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।